में अगर आप यूजर्स को खाली देखना चाहते हैं तो एडी यूजर्स का सेट है, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें यूज होती है, एक गेट होता है और एक सेट है, ठीक है। गेट से क्या कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और सेट से क्या कर रहे हैं कि आपने उसको एक नई चीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट एडी यूजर्स उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो नो एडी यूजर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप के अंदर स्विचेस भी यूज होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल सिंपल कमांड यूज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर न्यू एडी यूजर लिखेंगे और आगे यूजर नेम लिखेंगे तो यूजर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेट एडी यूजर करते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफाई करेगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। उसमें से अगर आप चेंज वाले चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव एडी यूजर है, ठीक है, ये पासवर्ड की एक्सपायरेशन की कमांड है, ये अनलॉक करने के लिए, ठीक है, ये अनेबल, ठीक है ना। अगर यूजर को डिसेबल किया तो उसको अनेबल डिसेबल करने के लिए, ठीक है। ये इसने कुछ लेंथी कमांड इसके अंदर दी गई है, ठीक है। ये कमांड देना चाहते हैं तो इसके साथ ये पासवर्ड्स की भी सब कुछ ऐड कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू एडी यूजर्स रिफ्रेश कर रहा है, हाइफन अकाउंट पासवर्ड रीड होस्ट, ठीक है, ये उसकी बेसिकली इसके ऊपर स्ट्रिंग ऐड कर रहा है, एंड देन एंटर द पासवर्ड भी यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है ना। ये स्विच किया लगाया जा रहा है जो आपकी कम्प्लेक्सिटी लेंथ होती है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर पासवर्ड ऐड करेंगे, एंटर पासवर्ड यहाँ पर पूरे होगा डॉटेड के अंदर, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्रॉस करेंगे और डिपार्टमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट भी आप इसी एक कमांड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसमें काम करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें शेल जो आपको मिलते हैं, एक नॉर्मल पावर शेल है, एक पावर शेल आईएससी है, पावर शेल आईएससी में काम किया अवश्य आई इसी में नहीं किया के लिए, उस पर्सन की जरूरी है जिस पर्सन ने उसका बिल्कुल भी शेल का आईडिया नहीं। अच्छा सर, वो जो जिसके साथ, अच्छा वो कमांड तो ऑटो कंप्लीट वाला था। ये शेल आईएस नहीं है, ये सारे के सारे कमांड्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जिस कमांड नंबर क्लिक करेंगे वो कमांड ओवर टाइप हो जाएगी, हमें जो वैल्यू देंगे बस आप में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई यूजर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी काम करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये अभी सर्वर में कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं चली गई, ठीक है, लेकिन वैसे कमांड्स नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये सारे कमांड्स, ठीक है, ये पावर शेल आईएससी ने डिजाइन किया है, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई कमांड देखना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर सिंपल यहाँ पे मॉड्यूल की लिस्ट भी आती है, ठीक है, जितने भी इसके मॉड्यूल है, तो डीएनएस की कमांड लिखना चाहते हैं, ठीक है, फिर इसमें क्या डीएनएस का, ठीक है, तो ये सारी कमांड है इसकी, आईएसएस की कमांड लाना चाह रहा है, एडवाइजर्स की, ठीक है, ये सारी कमांड है इसमें, ठीक है। जिसकी कमांड निकालना चाहते हैं उसको अगर वो लिखेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट दे देगा कमांड्स, ठीक है, ये कमांड इसमें चल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है टैब भी चलता है, ठीक है, टैब, ठीक है, मतलब छोड़ा एक दो लिख के टैब करेंगे तो कमांड कमांड कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको मैं दिया जाता हूँ, अगर कमांड अभी करेक्ट है, करेक्ट नहीं है तो टैब आप करा नहीं कर रहा, और टैब जो है स्क्रिप्ट में भी रन नहीं करता, याद रखें, अगर लॉन्ग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना तो उसमें भी टैब नहीं चलता, शॉर्ट कमांड में जाते हैं। सर, ये जो नीचे कमांड लिखी हुई है इसमें जो पोर्शन है रीड होस्ट है सिक्योर स्क्रीन एंटर पासवर्ड, इस वाले से क्या होगा, एंटर पासवर्ड की जगह हमने पासवर्ड टाइप कर देना, वो उसका पासवर्ड सेट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता देना, ठीक है, पासवर्ड ऐसे नहीं ऐड कर देते, ठीक है, तो ये कमांड स्विच आपको लगाना पड़ता है अकाउंट पासवर्ड एंड सिक्योर स्क्रीन,
इससे क्या होगा पासवर्ड की क्या चीज है जो भी आपने कंप्रेसर इसमें दी होगी वो कंप्रेसर ऐड कर देगा ठीक है पासवर्ड लिखेंगे फर्स्ट करें नॉर्मल बार कोड कंप्रेसर इसमें क्या होती है कैपिटल स्मॉल ठीक है और उसके बाद में ठीक है तो वैसे अगर आप उसमें पासवर्ड देंगे तो सब निकल जाओ कहते साथ वो अकाउंट पासवर्ड का स्विच करो स्विच करेंगे जब उसके बाद पासवर्ड इसके साथ ऐड नहीं कर देगा ऐसे कमांड सिंपल वो पासवर्ड नहीं एंटर करते उसके बाद ग्रुप्स की कमांड ठीक है शेल पे किसी ने भी काम किसी को प्रैक्टिस जो लोग एक्सचेंज पे काम करते हैं वो तो वैसे तो हैबिट ना भी बनाए तो एक्सचेंज हैबिट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे टास्क है आपके शर्त के थ्रू परफॉर्म होते हैं उसमें से मिलेगा हाफ एक्सचेंज ऑप्शन से मैनेज करते हैं और हाफ के ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे सिनेरियो जो कॉम्प्लेक्स